हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर को फिनिश कर लिया था, है ना। और आज की जो आपकी वीडियोस है वो है चैप्टर टू से रिलेटेड, यानी कि चैप्टर टू दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। तो इस चैप्टर के दो वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं जिसमें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक पढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड वीडियो ऑफ सेकेंड चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप बाकी की दो वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें दो वीडियोस बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर दी गई थी। आज हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर में आगे, और आगे बढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप वो पीछे के दो वीडियोस, अगर आप नए हैं और आपने नहीं देखा है उस चैप्टर को, नहीं जाना है, तो आप वो दो वीडियोस ज़रूर पढ़ें, तो जाकर आपका ये थर्ड वीडियो आपको समझ में बिल्कुल आने लगेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू टॉपिक दैट इज़ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज़ द पिस्टल। मेगास्पोरंजियम ओव्यूल। ओके, तो हमारी आज की टॉपिक जो है ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर से रिलेटेड होगी। हमने मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कंप्लीट किया और हमने कंप्लीट गैमेटोफाइटिक स्टेज, यानी कि किस तरह से बनते हैं पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस पूरी कर ली थी। अब हमारे चैप्टर की जो अगली टॉपिक है वो है हमारे फ्लावर का फीमेल पार्ट। तो हमारे फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है दैट इज नोन एज पिस्टल, उसको हम क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं। और पिस्टल को हिंदी में कहते हैं स्त्री केसर, इसको स्त्री केसर कहा जाता है। अगर हम एक पिस्टल की बात करें तो एक पिस्टल में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको जानकर रखने होते हैं। सबसे नंबर वन फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा, नंबर सेकेंड इज स्टाइल, एंड नंबर थर्ड इज ऑफ कोर्स ओवरी। ये तीन बेसिक पार्ट है जो हमारे पिस्टल को करता है कंप्लीट। लेट्स हैव अ लुक ऑन द सिंपलेस्ट डायग्राम। इफ यू विल ड्रॉ द पिस्टल हियर, अगर हम एक पिस्टल ड्रॉ करते हैं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पिस्टल। ये एक पिस्टल का स्ट्रक्चर हुआ, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ पिस्टल, जिसमें से दिस पार्ट इज स्टिग्मा, ये जो ट्यूब लाइक पार्ट आप देख रहे हैं दिस इज स्टाइल, एंड दिस पार्ट इज ऑफ कोर्स द ओवरी, ठीक है। ये हमारे हो गए तीन इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे अबव पार्ट आपको दिख रहा होगा स्टिग्मा। स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म होता है। स्टिग्मा के लिए आप एक टर्म यूज कर सकते हैं, इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर पॉलन ग्रेन्स आर received। तो हमने ये देखा कि हमारा स्टिग्मा जो होता है ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आकर हमारे पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, स्टे करते हैं। पॉलन ग्रेन के बारे में आपको पिछले वीडियोस में पढ़ा दिया गया है। पॉलन ग्रेन की हिंदी होती है पराग कण, जो मेल गैमेट होता है, फ्लावर से निकलने वाला नर युग्मक जो फीमेल बॉडी के अंदर आकर ओवम के साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है, हम आगे देखेंगे। तो पॉलन ग्रेन जो है वो यहाँ आकर स्टे करते हैं। नेक्स्ट हम एक नेक्स्ट पार्ट में आते हैं दैट इज स्टाइल। स्टाइल के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, ट्यूब लाइक पार्ट, ट्यूब लाइक पार्ट विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो पॉलन ग्रेन यहाँ आके स्टे कर जाते हैं। पॉलन ग्रेन के स्टे करने के बाद ये जो हमारा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज स्टाइल। अब इस स्टाइल के अंदर ही थिन सेक्शंस जो होती है ये ड्रॉ होती है, दैट इज नोन एज पॉलन ट्यूब। ये अंदर में क्या बनता है, इसके पॉलन ट्यूब बनता है ना। तो हमारा स्टाइल जो होता है वो अंदर में कंप्लीट पॉलन ट्यूब बनाकर पॉलन ग्रेन आसानी से बिल्कुल सेफली नीचे की तरफ आ सके, इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और हमारा स्टाइल जो होता है वो हमारे स्टिग्मा को एक बेस सप्लाई करता है। हमारे पॉलन ग्रेन जब आकर स्टिग्मा पर रुकते हैं तो हमारे स्टाइल के जरिया हमारे स्टिग्मा को बाउंड अप किया जाता है, यानी कि इसको एक बेस देकर रखा जाता है ताकि पॉलन ग्रेन इस पर आराम से ठहर सके, है ना। तो स्टाइल का ये एक मेन पार्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं ओवरी, ये बेसल पार्ट होता है, बेसल पार्ट ऑफ पिस्टल। पिस्टल का सबसे बेसल पार्ट जो होता है दैट इज नोन एज ओवरी, ठीक है।
अब यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे आप, यहाँ पर ये जो खाली स्पेस है ओवरी का, पार्टिकुलरली जब तक यहाँ पे कुछ बिल्डअप नहीं है, जब तक ये खाली है, दैट पार्टिकुलर स्पेस इज नोन एज ओवेरियन कैविटी। इसको हम क्या कहेंगे? ओवेरियन कैविटी, और इट इज ऑल्सो नोन एज लोक्यूल। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज लोक्यूल। लेकिन हमारे ओवरी के अंदर फॉर्म करता है ओव्यूल, ठीक है। अब ओवरी में मैंने एक जगह चुना, ये दिस साइट, ठीक है। इस जगह से एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा एंड दैट स्ट्रक्चर इज पार्टिकुलरली नोन एज ओव्यूल। यानी कि इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? ओव्यूल कह रहे हैं। लेकिन ओव्यूल समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ओवरी का वो पोजीशन जहां से एक फिलामेंट ओव्यूल बनकर डेवलप होता है, तो दिस पार्टिकुलर पोजीशन जहां से इसमें एक ओव्यूल की फॉर्मेशन शुरू होगी, ये पार्टिकुलर पोजीशन जो होता है, दिस पोजीशन इज नोन एज प्लेसेंटा। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। और जब प्लेसेंटा से ओव्यूल की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज प्लेसेंटेशन। तब हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट। अब मैं आपको बता दूं कि फ्लावर्स जो होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू पिस्टल मॉडिफाई किया गया है। अगर हम पिस्टल के अकॉर्डिंग जानने की कोशिश करें तो कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें सिंगल पिस्टल प्रेजेंट होती है, यानी कि ओनली वन पिस्टल इज प्रेजेंट, देन दैट टाइप ऑफ पिस्टल और दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज मोनोकार्पेलरी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा पिस्टल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, देन इट इज नोन एज मल्टीकार्पेलरी। तो हमारे पिस्टल के अकॉर्डिंग हमारे फ्लावर्स, हमारे जो गाइनोशियम है, जो फीमेल बॉडी है फ्लावर की, उसको दो कैटेगरी में हमने बांटा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि वो दो कैटेगरीज को हम और ज्यादा मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूं, हमारा जो पिस्टल होता है उसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। स्टिग्मा जो है वो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां आकर पॉलन ग्रेन स्टे कर जाते हैं। हमारा स्टाइल जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पॉलन ट्यूब फॉर्म होता है, और हमारी जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ही हमारे ओव्यूल बनेंगे जिनके अंदर एम्ब्रियो सैक बनेंगे। हम आएंगे स्टेप बाय स्टेप अपने पॉइंट्स पर। और मैंने बताया कि ओवरी का वो पॉइंट जहां से ओव्यूल की अटैचमेंट हो जाती है, दैट साइट इज नोन एज प्लेसेंटा। और ओव्यूल जिस मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कंप्लीटली ये बनकर तैयार होगा, तो उस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं प्लेसेंटेशन, दैट इज नोन एज प्लेसेंटेशन। तो चलिए बाकी की बात करते हैं कि हमारे गाइनोशियम को ऑन द बेसिस ऑफ पिस्टल किस तरह से किया गया है डिस्ट्रीब्यूट। Now we are going to distribute the gynoecium on the basis of pistillate arrangement, ठीक है। अब हम बात करते हैं gynoecium की। What is gynoecium? Gynoecium is the female part of a flower, ठीक है। अब ये gynoecium जो होता है, इसको pistil के according अगर distribute करें, अगर gynoecium में सिर्फ एक pistil present होती है, then the term suitable is monocarpellary। इसको हम क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी कहते हैं। लेकिन अगर हमारे गाइनोशियम में मोर देन वन पिस्टल प्रेजेंट होते हैं, इफ इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पिस्टल, अगर एक से ज्यादा पिस्टल प्रेजेंट होते हैं, देन इट इज नोन एज मल्टी कार्पेलरी। अब यहां सवाल यह है कि एक से ज्यादा पिस्टल प्रेजेंट होते हैं, तो एक से ज्यादा पिस्टल अगर प्रेजेंट होते हैं तो हो सकता है कि वो सारे पिस्टल जो है अलग हो। तो अगर हम मल्टी कार्पेलरी की बात करें, तो अगर हमारे कार्पेल्स जो हैं वो फ्री हैं, अलग अलग हैं, तो टर्म जो हम यूज करेंगे दैट इज एपोकार्पस। लेकिन अगर हमारे जो कार्पेल्स हैं अगर वो आपस में फ्यूज्ड रहते हैं, देन इट इज नोन एज सिनकार्पस, देन दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज सिनकार्पस। यानी कि अगर हमारे थैलमस पर, फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग एक थैलमस है, दिस इज द थैलमस बेस, यहां से मैंने कुछ पिस्टल्स बनाए समथिंग लाइक दैट, ठीक है।
एक रफ स्केच आपको समझाने की कोशिश। अगर ये सारे एक से ज्यादा पिस्टल्स प्रेजेंट है, नंबर वन ये तो आप देख रहे हैं, तो दैट इज नोन एज मल्टी कार्पिलरी। लेकिन ये सब पिस्टल्स क्या है ना, अलग अलग हैं। तो जब ये सब अलग अलग प्रेजेंट होते हैं तो देन दैट इज नोन एज एपोकार्पस। हम इसको क्या कहते हैं, एपोकार्पस कहते हैं। लेकिन अगर हमारे सारे पिस्टल्स फ्यूज है, मीन्स द डायग्राम मे बी लाइक दिस, एक कंप्लीट ओवरी है और ये सब के सब क्या हो रहे हैं, एक साथ आकर एक जगह पर फ्यूज्ड हो रहे हैं। ये भी एक से ज्यादा ही है लेकिन सबका फ्यूजन एक जगह पे हो रहा है, देन दैट इज नोन एज सिनकार्पस। तब हम इसको क्या कहेंगे, सिनकार्पस कहेंगे। लेकिन एक से ज्यादा है पर सबकी अपनी अपनी फ्रूटिंग बॉडी, सबकी अपनी अपनी ओवरीज अलग है, देन दैट इज नोन एज एपोकार्पस। तो हमारे जो कार्पेल्स के बेसिस पर हमारे पिस्टल का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में आप समझ गए, वन मोनोकार्पिलरी और वन से ज्यादा यानी कि मोर देन वन दैट इज मल्टीकार्पिलरी। और मल्टीकार्पिलरी में भी हमने दो कैटेगरी देखी, अगर वो अलग है दैट इज एपोकार्पस और एक साथ जॉइंट है, फ्यूज्ड है, देन दैट इज नोन एज सिनकार्पस। तो ये था हमारे पिस्टल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा और हमारे पिस्टल के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी और उसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल दैट इज मेगा स्पोरेंजियम और उसके सभी फंक्शंस को। और बहुत क्विकली आपको सेकेंड चैप्टर की वीडियोस अब मिलेंगी और प्लीज़ आप इस चीज़ को प्रॉपरली देखना चाहते हैं, वीडियोज़ आपको रेगुलरली चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सबकी हेल्प हो जाए। और मुझे ये उम्मीद है कि आप ये बिल्कुल करेंगे। टिल देन प्लीज़ टेक केयर and have a nice day.